Welcome to Vicky's Kitchen Space. This is Hrithik Armat and the instructor Vasim Sana will show you how to make soft and spongy idli. Let's start the process. इडली बनाने के लिए 2 कप इडली का रवा लें, इसे धो लें और 4 घंटे के लिए इसे भिगो लें। 1 कप माश की दाल लें और इसे भी 4 घंटे के लिए भिगो लें। इडली के रवे के भीग जाने के बाद इसमें से पानी निकाल लें। माश की दाल को ग्राइंड कर लें। इसे पीस लेने के बाद इसे इडली के रवे में डाल लें। इसे मिक्स कर 8 घंटे के लिए फर्मेंट होने रख दें। बैटर अच्छी तरह से फर्मेंट हो चुका है, इसकी क्वांटिटी भी डबल हो चुकी है। इसे अच्छी तरह मिक्स कर इसमें स्वाद के हिसाब से नमक डालें। इसे मिक्स कर लें। इडली कुकर ले लें। कुकर के मार्क के बराबर इसमें पानी डाल लें। इसे स्टोव पर बॉईल होने के लिए रख दें। इडली के सांचे में ऑयल स्प्रेड करें। इसमें 1 टेबलस्पून इडली का बैटर डालें। इसे बिल्कुल फुल ना करें। इसी तरह बाकियों में भी डालें और इन्हें मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए स्टीम कर लें। फ्लेम को स्विच ऑफ करें और इन्हें चेक कर लें। इडली बनकर तैयार है। इसके ठंडा हो जाने के बाद इन्हें स्पून या नाइफ की मदद से निकाल लें। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार है। Thank you for watching this video. If you love this video, leave a like, comment down and share this video and don't forget to subscribe our channel VK's Kitchen Recipes.